बीते कई दिनों से बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में बच्चों के लिए बनाया गया चिल्ड्रन इको पार्क नशेड़ियों एवं जुआरियों का अड्डा बन चुका था। आजाद सिपाही में प्रमुखता से खबर छपने के बाद रविवार को नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेश उराव अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ पार्क का मुआयना करने पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि पार्क नशेड़ियों एवं जुआरियों का अड्डा बन चुका है। कुछ लोग पार्क के अंदर जुआ खेलते हुए भी दिखाई दिए। उक्त लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और पार्क को अगले आदेश तक के लिए ताला लगा दिया गया। नगर अध्यक्ष राजेश उराव ने कहा कि पार्क पहले काफी अच्छी स्थिति में थी, लेकिन यहां के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पार्क की सूरत को खराब कर दिया गया। पार्क की मरम्मत और सौंदर्यकरण को लेकर DPR बनकर तैयार है। आने वाले कुछ दिनों में इस पार्क में बच्चों के लिए उपयुक्त खेलने की चीजों को लगाया जाएगा। बच्चों का मन लग सके इसके लिए रंग बिरंगी मछलियों से भरा एक्वेरियम भी लगाया जाएगा, जिससे आसपास के बच्चे यहां आकर अपना मनोरंजन कर सकेंगे। निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश उराव, वार्ड पार्षद चंदन नायक, अभिजीत चटर्जी, श्याम सुंदर, उमेश सेठ के अलावा भी कई लोग मौजूद थे। चिल्ड्रन इको पार्क में हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व लोग थोड़ा सा उदम कर रहे हैं। शाम को सुनने में आ रही थी कि शराब उराब भी इन लोग वहाँ पे थोड़ा सा ही करते हैं। तो सारा चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए इको चिल्ड्रन पार्क हम बच्चे को खेलने के लिए हम लोग बनाए थे, लेकिन यहाँ कुछ असामाजिक तत्व उसको भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, सामान को तोड़ दे रहे हैं। तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए अभी क्या कर रहे हैं कि इको पार्क कुछ दिनों के लिए अभी हम लोगों ने तालाबंदी का व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ दिन तालाबंद कर देंगे और इसकी हम लोग मरम्मती के लिए भी प्रोपोजल बना चुके हैं। DPR लगभग बन चुकी है, जिसकी बजट लगभग 25 लाख के आसपास आ रही है। आपको कुछ 1 से 1.5 महीना के अंदर में ही हम नज़र आ जाएगी कि यहाँ पे क्या सुविधा होगी क्या नहीं होगी। सारा सुख सुविधा होगी, सारा चीज़ की बच्चों को खेलने के लिए सारा चीज़ की सुविधा दिया जाएगा एवं कुछ मछली का भी उत्पादन दिखलाया जाएगा। इसमें मछली कुछ रंगीन मछलियाँ जो होती है वो सारा चीज़ को हम लोगों ने लगाने की भी व्यवस्था की है, जिसमें बच्चे एक बार घुस जाएंगे तो उनको लगभग मन मोह के ही निकलेंगे, वो बच्चे एक बार खुश होकर ही निकलेंगे। इस टाइप से हम लोगों ने इसका प्रोपोजल बनाया है और उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का निरीक्षण किया तो हमने देखा कि कहीं कहीं पर बोतल पड़े हुए थे, तो उस बोतलों को हम लोगों ने हटवा दिया और हमारे पदाधिकारी लोग भी उसमें थोड़ा सख्ती कार्रवाई कर रहे हैं और आइंदा इसे और नहीं होगा, ये हम लोग ख्याल रखेंगे। प्रकाशित अखबार आजाद सिपाही के माध्यम से पता चला कि यहाँ पे कुछ नशेड़ी लोग आ रहे हैं, कोई गाय बकरी बैल इसमें बांध रहे हैं और कुछ बच्चे को खिलौने जैसे खेलने के युक्त झूला झूलन ये सब को तोड़ रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। जबकि ये पार्क बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है, हमारे नगर पंचायत के अधीन ये क्षेत्र आता है और सभी लोग सोचते हैं कि सभी का परिवार का बच्चा 2 मिनट कम से कम खेलने कूदने के लिए यहाँ आए, मनोरंजन करने के लिए आए, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा है। स्थिति वर्तमान में ऐसा कर दिया गया है कि कोई बच्चे प्रवेश नहीं कर सकते। हम लोग इसमें लगे हुए हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष श्री राजेश उराव जी और कार्यपालक पदाधिकारी सभी लोग नोडल पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं और हमारे मित्र वार्ड पर्सनगण सभी लोगों ने मिलकर एक DPR बनाया है। इसमें इको फ्रेंडली पार्क जहां पे कम से कम परिवार के साथ बच्चे भी आके 2 मिनट बैठ सकते हैं, अपना बर्थडे वगैरह मना सकते हैं। मछली का हम लोग रंगीन मछली का एक शो लगाएंगे जिसमें एक्वेरियम टाइप से, क्योंकि बुंडू तालाब के किनारे ही बसा हुआ है पार्क, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि उसका अस्तित्व को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग मछली रंगीन मछली का भी उसमें रखे हुए हैं इस DPR में और हम लोग इस लुक को पूरा पार्क का लुक को पूरा ट्राइबल क्षेत्र में देंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति धरोहर आज आने वाले समय में खतरे में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि आज सब नए तकनीक युग में प्रवेश कर रहे हैं ऐसा लगता है मुझे, लेकिन हम लोग को ऐतिहासिक जो है सभ्यता हम लोग का उसको भूलना नहीं चाहिए और मैं यही कोशिश करके माननीय अध्यक्ष महोदय के पास ये प्रस्ताव रखा कि इस पूरा पार्क का लुक जो है हमारे ट्राइबल क्षेत्र के माध्यम से दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो पार्क था, अच्छा चल रहा था, पहले टिकट से भी लोग मैंने कटा के घुसते थे। शहर होने धीरे धीरे शहर बढ़ रहा है तो लोगों को घूमने का जगह तो मिलेगा नहीं,
तो ये बहुत अच्छा बच्चों लोगों के लिए है, सेफ्टी भी है। बच्चे हमारे घर अगल बगल के ही हैं, वे आएंगे, कोई बाहर जगह नहीं जाएंगे खेलने के लिए, जंगल झाड़ नहीं जाएंगे, तो हमारा सेफ्टी है, अच्छा ही है। लेकिन ये कहावत है कि अगर कोई घर या परिवार में कोई एक मालिक होता है, उसके लिए एक रखवाली के लिए आदमी लोग को हम लोग डिपुट करते हैं, तो अगर ऐसे ही बना के अगर छोड़ दिया जाए, ना ठेकेदार का पता है ना हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव का पता है, तो ऐसे अगर खाली रहेगा तो सर्वविदित है कि खराब लोग भी अच्छे लोग भी वहाँ विचरण करेंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका निगरानी नहीं रहे उसमें संभालने की, अगर उसमें लेकिन बात करें कि स्थानीय लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं एक हाथ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ों को समान रूप से व्यवस्था तरीके से रखने के लिए स्थानीय लोगों का भी मतलब अपना हिस्सेदारी होना चाहिए। तो इस पर क्यों नहीं आके स्थानीय लोग इस पर ध्यान देते हैं, क्यों सर शराबियों और जुआरियों को यहाँ पर अड्डा बनाने के लिए छोड़ देते हैं? देखिए, अगर इसको बचाने के लिए अगर सर्वदलीय बात होगा, बैठक हो, गांव घर का आदमी लोग का बैठक हो, तो ईश्वर इसको बचाने की चर्चा दिल में जगे तब ना। अगर इसका बचाने का चर्चा नहीं होगा तो ये कोई इसको नहीं बचा पाएगा, उसमें गलत लोग आएंगे ही। अगर इसको बचाने की बात रखा जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ में हमारे जो इसका व्यवस्थापक लोग हैं और हमारे स्थानीय लोग जो हैं, इसमें बैठ के हम लोग को आपस में इसको कैसे बचाएंगे, इसका विचार विमर्श हो और सहमति से जो भी बात आएगी तो उसमें बढ़िया चकचक रहेगा। इसको ऐसा बना दिया जाए इसको कि आदमी आके आनंद तो ले ही, साथ में रोजगार का भी एक जगह बन जाए जिससे बेरोजगार बच्चे लोग को काम मिल सके। आज तो हमारे बीच में हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन साहब आए और हम लोग भी अगल अगल बगल में थे, कोई आमंत्रित हम लोग नहीं है, तो भीड़ देख के आ गए। जो सच्चाई है, हम लोगों के साथ में यही शेयर किए कि ये बनेगा, इसका सुंदरीकरण होगा, यहाँ असामाजिक तत्व नहीं आएंगे, इसका रक्षा किया जाएगा, ऑर्नामेंटल फीस की बात हो रही है, बढ़िया बात है, और इसका बच्चे लोगों को खेलने की सामान बढ़ाया जाएगा, अच्छी बात है, बड़ा बजट का बात कह रहे हैं, तो ये अगर है तो बढ़िया बात है, इनका प्रयास सराहनीय है, भगवान इनको शक्ति दे, ये बुंडू को चमकाएं। और भी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।